रेनबो चैनल की ओर से सतरंगी नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुसंख्याकार प्रक्षेप यानी पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और वो भी आलेखी विधि यानी ग्राफिकल मेथड के द्वारा। और इस प्रकार के वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे और हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। तो चलो इसमें प्रक्षेप में हम चलते हैं। तो इस प्रक्षेप के बारे में सामान्य जानकारी मैं आपको बता दूं तो इस शंकु प्रक्षेप का जो विकास है अमेरिका के फर्डिनेंड हेसलर जो मानचित्रकार थे सर्वेयर थे उनके द्वारा इनका विकास किया गया और ये एक प्रकार का संशोधित प्रक्षेप है जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है। तो संशोधित प्रक्षेप क्या होता है? संशोधित शंकु प्रक्षेप है, इसमें प्रत्येक जो अक्षांश वृत्त है जिसकी हम रचना करेंगे उस समय बताऊंगा एक मानक अक्षांश होता है, यानी प्रत्येक जो वृत्त अक्षांश है वह क्या होता है? मानक अक्षांश होता है। इस प्रक्षेप की रचना करते समय यह कल्पना की जाती है कि प्रक्षेप में प्रदर्शित की जाने वाली अक्षांश वृत्तों का अलग अलग कागज के शंकु रखे गए हैं, इसी कारण इसे बहु यानी मल्टी शंकु प्रक्षेप कहा जाता है यानी पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन इसको कहा जाता है। तो इसके लिए हमें प्रश्न में जाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिएगा मापनी दे रखी है, अंतराल दे रखा है 15 डिग्री का, विस्तार दे रखा है 30 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ तक और 0 डिग्री से 180 ये देशांतरी विस्तार दे रखा है। तो इसको आलेखी विधि से करते हैं तो सबसे पहले लघुकृत पृथ्वी के गोले का जो अर्धव्यास है नहीं ये आर है त्रिज्या है उसको निकालते हैं, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा आरएफ का हर यानी जो यहाँ दे रखी है इसका मापनी उसके इसको बोलते हैं हर, इसका भाग देंगे तो 6.35 सेंटीमीटर ये आर यानी त्रिज्या आ जाएगा। और अब इसके लिए हम एक आधार चित्र बनाएंगे। जैसा कि हमने त्रिज्या निकाली थी 6.35 सेमी की एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार एक लाइन खींचते हैं। इस प्रकार हमने 6.35 की एक लाइन खींच दी है जिसका नाम OB हम रखते हैं। अब जो एक कोण बनाने हैं क्योंकि अंतराल का 15-15 का दिया हुआ है तो 15-15 के अंतराल पर कोण बनाएंगे हम। इस प्रकार मैंने 15, 30, 45, 60, 70, 90 का कोण चिन्हित कर दिए हैं। अब O से ये 90 डिग्री वाला कोण है वो ऊपर की ओर एक सीधी लाइन इस प्रकार आपको खींचनी है प्रकार की सहायता से, प्रकार को खोलना है O से B तक क्योंकि ये अपनी त्रिज्या जब हमने R निकाला था 6.35 आई थी। इस प्रकार आपको रचना करनी है और इन 15-15 डिग्री जो अंतराल के कोण है वो बनाने हैं। मैंने 15-15 डिग्री के अंतराल के कोण बना दिए हैं और इसको थोड़ा मैं स्थाई कर देता हूँ, बोल्ड बना देता हूँ जिसको आपको देखने में सुविधा रहे। मैंने इनका नामांकन कर दिया है, 15 डिग्री वाला नामांकन नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं है। अब सी बिंदु पर 30 डिग्री वाले पर एक स्पर्श रेखा डालनी है। स्पर्श रेखा का अर्थ होता है यानी 90 डिग्री का कोण बनाना है आपको यहाँ। तो यह प्रोटेक्टर है, चांदा है, इसको इस प्रकार रखिए सी पर, यहाँ ये शून्य आ जाना चाहिए इस प्रकार और आप ये अंकन कीजिएगा। यहाँ मैं 90 डिग्री पर अंकन कर देता हूँ और तुरंत इसका निर्माण कर देता हूँ आपके सामने ही। बिंदु बहुत सारे लग जाने पर आपको भ्रम हो सकता है इसलिए इसका निर्माण तुरंत कर लेवे। इस प्रकार ये सी और यहाँ जो प्रतिच्छेदन हुआ यह जी बिंदु हम प्राप्त
कर लिया है, इसको अंकन कर देवे। इसी प्रकार डी ई और एफ पर स्पर्श रेखा ये चांदे की सहायता से आपको प्राप्त करनी होगी। मैं ई पर बना रहा हूं, यहां ये बिंदु प्राप्त हुआ। अब मिलाने के लिए आपको यहां तक नहीं जाना है, यहां तक जो आपने ओ जी रेखा है उस पर ही काटना आपको, इस प्रकार यहां तक नहीं लेना है। अब लास्ट है वो एफ बिंदु पर आप 90 डिग्री का कोण बना देवे। इस प्रकार यहाँ एफ पर 90 डिग्री का कोण यहाँ प्राप्त हुआ था, बिंदु देख पा रहे हैं, लेकिन आपको इस रेखा तक ही लेना है। इस प्रकार मैंने ये स्पर्श रेखा बना दी है। साथ ही मैंने एच आई और जे इसका नामांकन भी कर दिया है। अब जो डिवाइडर है इसको 15 डिग्री का अंतराल था तो उतना खोलना है, आप देख पा रहे होंगे। और आपको ओ को केंद्र मानकर और एक चतुर्थांश बनाना है, इस प्रकार जैसा कि मैंने चित्र में बनाया है। अब आपको जो ओ बी के समांतर रेखा खींचनी है, जो यहाँ कट हुई है ना, ये इस चतुर्थांश पर 30 डिग्री, ये 15 वाड़ा तो अपना विस्तार प्रश्न में 30 डिग्री से था, तो 15 वाड़ा लेना नहीं है, 30 डिग्री इसके एक समांतर लाइनें खींचनी है। किसके? ओ बी के समांतर लाइनें खींचनी है, इस प्रकार जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार आपको समांतर लाइनें खींचनी है, फिर ये 30 के बाद में 15 का अंतराल है, 45 वाली समांतर लाइन, और फिर खींचनी है आपको 60 वाली समांतर लाइन, और लास्ट में 75 वाली समांतर। मैं इनको नाम 1 2 3 4 दे दूँ तो ठीक रहेगा। ये एक नंबर है, ये दो नंबर है, ये हो गया 3, और ये हो जाएगी 4 नंबर। तो इनको इनके चाप मारने बाद में ये तो कच्चा चित्र तैयार हो गया, इस आधार पर हम पक्का चित्र बनाएंगे। अब एक दूसरी शीट लेते हैं और उस पर पक्का चित्र बनाएंगे हम, इस आधार चित्र के आधार पर। इसके लिए एक आप सीधी रेखा इस प्रकार खींचनी है, आप देख पा रहे होंगे ये आधार चित्र है। इस पर जी से सी तक प्रकार खोलना है, जी से सी तक प्रकार खोलना है, और इसको आप जी डैश बिंदु मानेंगे, जो आपने स्ट्रेट लाइन खींची है इसको जी मानेंगे। और आपको क्या करना है, यहाँ प्रकार इस पर रखना है और एक वृत्त अक्षांश बनाना है। क्या बनाना है? वृत्त अक्षांश, जैसा कि मैं बना पा रहा हूँ, यह है 30 डिग्री वृत्त अक्षांश, इसको आपको लिखना है नहीं तो भूल हो जाएगी। कितना है? 30 डिग्री यहाँ लिख दीजिएगा, इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे। और फिर प्रकार को खोलना है, कितना अंतराल, जितना अंतराल आपको ध्यान है, अंतराल कितना था? 15 डिग्री का। आप देख पा रहे होंगे मैंने अंतराल जितना प्रकार खोल लिया है, और आपको ये 30 डिग्री जो अक्षांश है इसके ऊपर चाप मारना है, क्योंकि 15-15 अंतराल था, तो 30 के बाद 15 जोड़ने पर 45, 45 में 15 जोड़ने पर कितना आएगा? 60, और ये 75 तक ये विस्तार करना है। 30, 45, 60 और 75, इस प्रकार आपको चिन्हित करना होगा। अब अक्षांश वृत्त 45 डिग्री का निर्माण करने के लिए प्रकार को खोलना होगा, ये 45 डिग्री वाला डी, यहाँ से एच तक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे डी से एच तक मैंने प्रकार खोल लिया है। अब सावधानी क्या है, आपको ये 45 डिग्री वाले चाप ये था ना, तो प्रकार की सहायता से जो सेंट्रल मेरिडियन है ये जी वाली, ये सीधी स्ट्रेट लाइन है, इसको सेंट्रल मेरिडियन रेखा बोला जाता है, लाइन बोला जाता है, इस पर चाप मारना है, ठीक है। तो ये चाप होगा एच डैश का, क्या होगा? एच डैश का। प्रकार को एच डैश पर रखना है, कहाँ रखना है? एच डैश पर। और
एक आपको वृत्त बनाना है, जैसा कि मैं बना रहा हूँ अक्षांश वृत्त बनाना है 45 डिग्री के लिए। कितना बनाना है? 45 डिग्री के लिए अक्षांश वृत्त बनाना है। इस प्रकार आपको यह 45 डिग्री लिख दीजिएगा। अब पुनः आप आधार चित्र की ओर बढ़ना है। डी वाला कोण बना लिया तो हम बनाएंगे ई और आई वाला प्रकार। इस प्रकार खोलना है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और पुनः वही प्रक्रिया करनी है 30 डिग्री के लिए, क्योंकि ये 60 डिग्री के लिए ई 60 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो आपको सेंट्रल मेरिडियन पर चाप मारना है और इसको लिखना है आई डेस। क्या लिखना है? आई डेस। आई डेस को केंद्र मानते हुए इस प्रकार एक 60 डिग्री के लिए अक्षांश वृत्त के निर्माण करना है इस प्रकार, और यहाँ लिखना है 60 डिग्री। अब आधार चित्र की ओर बढ़िए। अंत में बचा हुआ जो 75 है उसका एक चाप F से J तक मारना है, काटना है, चाप लेना है। इसको ले लिया और प्रकार को ये जो 75 डिग्री वाला है इससे सेंट्रल मेरिडियन रेखा पर चाप मारना है और इस बिंदु को लिखना है J डेस बिंदु, और वापिस पुनः J डेस को केंद्र मानकर एक जो अक्षांश वृत्त है उसका निर्माण इस प्रकार करना है, और इस पर लिख किए 75 डिग्री। तो इस प्रकार हमने 30, 45, 60 और 75 के अक्षांश वृत्त प्राप्त कर लिए। किस आधार से? इस आधार चित्र से हमने प्राप्त कर लिए। इस प्रकार हमने लेटिट्यूड प्राप्त कर लिया। अब लॉन्गिट्यूड प्राप्त करने के लिए आधार चित्र में पुनः जाते हैं। तो हमने ये जो एक नंबर वाली लाइन है यहाँ से जो ये त्रिज्या खंड है इससे यहाँ तक एक नंबर तक खोलना है प्रकार को, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने खोल लिया है। और ये 30 डिग्री वाले तो मैंने यहाँ खोल लिया 30 डिग्री के लिए। आप 30 डिग्री वाले तो यहाँ आपको क्या करना है, 30 डिग्री वाले पर ही चाप मारना है। ये कन्फ्यूज ना हो ये मैं इसलिए स्पष्ट बता रहा हूँ। तो अब कितने चाप मारने हैं, कितनी डिग्री ये होगी, इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसका विस्तार कितना दे रखा है। विस्तार है 0 डिग्री से 0 से 180। तो 180 में आप विस्तार ये जो अंतराल का भाग दे दें 0 से 180 डिग्री ईस्ट तक विस्तार था। तो अब कितनी लाइन देशांतर लाइन कितनी आएगी, इसके लिए 180 हो गया ना ये टोटल देशांतर, और अपना अंतराल था 15 का था, 15 का भाग दे दीजिए तो इसमें आएगी 12। 12 का मतलब हुआ कि 6 इस तरफ इस लाइन से सेंट्रल मेरिडियन है, इससे 6 इस तरफ और 6 इस तरफ, आपको 6-6 लाइनें होगी, कुल मिलाकर लाइनें होगी 13 इस समेत, 6 इस तरफ 6 इस तरफ, ये ध्यान रखिएगा विशेष तौर से। और नहीं आता है तो आप लिख लीजिएगा 0 15 के अंतराल 15 30 45 60, इस प्रकार आप 180 तक लिख लें तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये बीच वाली सेंट्रल मेरिडियन हो जाएगी। प्रकार मेरा खोला हुआ है तो चाप 6 इस तरफ चाप काटने, इस प्रकार आप सावधानी से चाप काटिए और काउंट करके काटिए 3 4 5 और 6। एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी काटना आपको और ये 6। 45 डिग्री जो अक्षांश वृत्त पर देशांतर लाइन बनाने के लिए इस आधार चित्र की ओर बढ़ते हैं। तो 45 डिग्री जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से लेकर ये दो नंबर वाली लाइन, एक नंबर के चाप हमने काट दिए, मैंने दो नंबर लिखा था, रेखा का नाम नहीं लिखा था, प्रकार उसी उतना ही खोलना है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आधार चित्र में प्रकार खोलना है। और ये 45 डिग्री वाला था तो 45 डिग्री पर चाप मारने, 6 इस तरफ और 6 इस तरफ चाप मारने, एक 5 और ये 6 चाप, 4 5 और 6। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आराम से चाप काट लीजिएगा। अब आधार चित्र की ओर पुनः जाइए। 60 डिग्री के लिए प्रकार को पुनः खोलिए, ये 3 नंबर वाली लाइन वाली है ना, ये 1 2 3, 60 डिग्री के लिए यहाँ से खोलिए और पुनः 60 डिग्री पर ही चाप आपको 6 चाप काटने हैं जैसा कि हमने काटा था, ये 6 चाप हो गए। अब 75 डिग्री के लिए प्रकार खोलना है। जब आप प्रकार खरीदें तो ये पेंसिल और ये जो नुकीला सिरा है वो आपस में मिल
मिलना चाहिए। कई प्रकार इस प्रकार के आते हैं जो मिलते नहीं है, जो बाद में इस प्रकार के चाप काटने में दिक्कत आती है, छोटे चाप काटने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार मैंने चाप भर लिया, तो ये प्रकार इस प्रकार ले में जो दोनों सिरे हैं वो आपस में मिल जाएं। ये मैंने 75 के लिए 6 डिग्री चाप, 6 चाप काटने, 5 और ये 6, ये हमने 6 चाप काट दिए हैं। अब इन 6 चापों को आपस में मिलाना है। कैसे मिलाना है, इसके लिए मैंने बोन प्रक्षेप बनाया था, बोन प्रोजेक्शन, उसमें बताया था और यहाँ भी आपके सामने बताऊंगा। आप रिफिल की सहायता से या झाड़ू का तिनका है, वक्राकार स्केल आती है उसको ले लीजिएगा, उपलब्ध है तो उससे मिला लीजिए और नहीं तो इससे मिलाना है। इस प्रकार देखो, ये सभी लाइनें आपको दिखाई देनी चाहिए, इस प्रकार आपको दबा लीजिएगा और फिर इनको मिला दीजिएगा, जैसा कि मैं मिला पा रहा हूँ, सभी लाइनें आ रही हैं, इस प्रकार आपको मिलाना है। मैं मिला रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार आपको मिलाना है। इसमें लाइनें शंकु प्रक्षेप में ने बोन प्रक्षेप में खींची थी ना, वैसे ही इसमें खींचनी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हार्ड नहीं है, इस प्रकार आपको बनानी है। आपके सामने मैं बना रहा हूँ, लाइव बना रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना आप तो ये बन जाएगा, हार्ड नहीं है। इस प्रकार आप आराम से सभी लाइनें, मैं बोर्ड लाइनें इसलिए खींच रहा हूँ कि आपको स्पष्ट तैयार इस वीडियो में दिखाई देवे, एक एक करके इस प्रकार आप मिला दें। बीच वाली लाइन में ध्यान रखें, यहाँ तक तो फुल लाइन खींचनी है आपको और बाकी जी से यहाँ तक डैश डैश खींचनी है, इस प्रकार। अब ये बाकी की लाइनें भी बोर्ड कर देता हूँ। तो 75 के लिए हमने जे डैश से खींची थी ना, थोड़ा ये याद रखना, नहीं तो उल्ट पुलट हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, इस प्रकार आप याद रखना है। इसी प्रकार आई डे इस प्रकार रखिए और इतना खोल के ये नेक्स्ट वाला 60 डिग्री के लिए आप जो अक्षांश व्रत है, लेटिट्यूड लाइन है, वो बना दीजिएगा। इसमें सब अलग अलग जगह रखकर बनाना है, अलग अलग मानक अक्षांश होते हैं, सभी अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, इसलिए इस प्रकार आपको निर्माण करना है। और लास्ट वाली आपको ध्यान है जी से बनानी है, अब मैं इसकी थोड़ी विशेषता बता दूं। केंद्रीय देशांतर रेखा एक सरल रेखा होती है तथा शेष जो देशांतर रेखा है वक्राकार होती है, यह सीधी सरल रेखा है और बाकी देशांतर रेखाएं वो वक्राकार होती है। दूसरा बिंदु देखिए, भिन्न भिन्न बिंदुओं को केंद्र मानकर खींचे गए वृत्तों के भाग होने के कारण समस्त अक्षांश रेखाएं सेकेंद्रीय वृत्त चाप नहीं होती, यानी ये जी से ये चाप मारा और ये एच से ये चाप मारा, यानी ये सेकेंद्रीय वृत्त नहीं होते। यानी जिस प्रकार आपने देखा होगा बोन प्रक्षेप में होता है, उसी प्रकार यह नहीं होते। तीसरा बिंदु है, अक्षांश वृत्तों में जो असेकेंद्रीय वृत्त होने के कारण सम क्षेत्रफल का गुण नहीं पाया जाता, यानी सम क्षेत्रफल इक्वल जो क्षेत्रफल है उसका गुण नहीं पाया जाता। चौथी विशेषता होती है इसकी, केंद्रीय देशांतर रेखा से दूरी मानचित्र के समीपवर्ती भागों में आकृतिक और क्षेत्रफल में बहुत विकृति बढ़ा देती है, यानी यहाँ बहुत ज्यादा विकृति हो जाएगी। केंद्रीय देशांतर रेखा से दूरी बढ़ने पर देशांतरों की मापने में होने वाले तीव्र वृद्धि के कारण ये प्रक्षेप यथाकृतिक भी नहीं होता, यानी यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं होता। अब लगते हैं इसका उपयोग भी सुन लीजिएगा, जिन प्रदेशों का पूर्व से पश्चिम में विस्तार कम हो उनके मानचित्र बनाने के लिए यह प्रक्षेप उपयोगी है। आकृतिक तथा क्षेत्रफल शुद्ध प्रदर्शित न होने के कारण यह प्रक्षेप बड़े बड़े मानचित्र बनाने के लिए उपयोगी नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसमें जो चिल्ली है इसका प्रक्षेप इसमें बनाया जा सकता है, स्थलाकृति मानचित्र इसका बनाया जा सकता है। यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस
वीडियो को या चैनल के जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको शेयर कीजिएगा, हमारे प्रयास को आप लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद। शंकु आकार प्रक्षेप का ये फाइनल चित्र प्रकार आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अन्य वीडियो देखने के लिए ये आयताकार बने हुए हैं बॉक्स, इन पर क्लिक करके हमारा वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद है।